please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और दिल्ली से बड़ी खबर दे रहे दीपक बिष्ट। 26 जनवरी से पहले सुरक्षा बल ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। दिल्ली के आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ जवान को एक महिला की चेकिंग के दौरान 20 जिंदा कारतूस मिले हैं और जानकारी के मुताबिक महिला के साथ दो पुरुष भी थे। पूछताछ के दौरान सीआईएसएफ को महिला ने खुद को मुरादाबाद का बताया और बरामद किए गए कारतूस को अपने पति का बताया और महिला का दावा है कि उसके पति के पास लाइसेंसी पिस्टल है और कारतूस उसी के हैं। दीपक बिष्ट जुड़ चुके हैं। दीपक, महिला जिस तरीके से सफाई दे रही है वो कितनी सही और ठीक लग रही है और 26 जनवरी के मद्देनजर इतनी बड़ी बरामदगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये काफी अहम सवाल है क्योंकि महिला से खुद सुरक्षा कर्मियों ने ये पूछा था कि जब आपको पता है कि मेट्रो के अंदर इस तरह की चीजें ले जाना पाबंदी है फिर भी आपको लेकर गई, तो वो कुछ सही से जवाब नहीं दे पाई और उसके बाद उनको तुरंत ही वहां पर जो सुरक्षा स्टाफ था सीआईएसएफ और पुलिस को बुलाकर वहीं पर उनसे पूछताछ की गई। उनका ये कहना था कि 20 जो जिंदा कारतूस थे वो अपने बैग में लेकर जा रही थी, तो जब मेटल डिटेक्टर के पास से वो गुजरी तो वहीं पर उनके पास कारतूस होने की भनक पुलिस को लगी थी, तो उसके बाद से लगातार पूछताछ की जा रही है। रात को ही परिवार को उनको बुला लिया गया था क्योंकि मुरादाबाद यूपी का रहने वाला परिवार है, तो उनके पति के नाम का ये लाइसेंस था बताया जा रहा है जिसके ही कारतूस थे, तो फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है। जी जी, नजरा बनाए रखिए। उत्तर प्रदेश से अगली खबर, जहां अपराधियों के बढ़ते हौसलों को पस्त करने के लिए पुलिस लगातार एनकाउंटर कर रही है और इन एनकाउंटर्स की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। वाराणसी और अमरोहा में पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे इनामी बदमाश को मुठभेड़ में पुलिस ने धर दबोचा। दोनों जगहों पर हुई मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी और दो बदमाशों को गोली लगी है। अंधेरे में मौत उगलती बंदूकें, घने खेत में छिपे खूंखार बदमाश, चारों तरफ से पुलिस की धुआंधार फायरिंग। बीच खेत में चल रहा था जिंदगी और मौत का खेल। 24 घंटे के भीतर वाराणसी और अमरोहा में जबरदस्त मुठभेड़। अमरोहा में कैमरा उन खौफनाक लम्हों का गवाह बन रहा था जिन्हें आम आंखें बिल्ले ही देख पाती। उस वक्त यहां जारी था एक खौफनाक एनकाउंटर। हाथों में आग उगलने को तैयार हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने पुलिस की टीम ने बदमाशों को दबोचने के लिए शिकंजा कसना शुरू ही किया था कि बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। गोली पुलिस की गाड़ी में लगी, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो बदमाश भागे, फिर शुरू हुआ मौत का लाइव खेल। कदम अंधेरे में कुछ तलाशते भागे जा रहे थे, लुटेरे खूंखार थे और इस खेल के माहिर भी, वो उनका भी पहला मुकाबला नहीं था। पुलिस से मोर्चा लेते दो बदमाश खेतों की आड़ लेकर मोर्चा संभाल चुके थे, वहीं पुलिस भी शिकंजा कसती जा रही थी। खाली जगह पार करके अब पुलिस वाले खेतों में पहुंच चुके थे जिसके बीच पता नहीं कहां वो बदमाश तेज रफ्तार कदम साधे छुपे बैठे थे। पुलिस वालों ने खेत के बीच ही मोर्चा संभाल लिया और फिर एक के बाद एक गोलियां दागनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ से ना कोई हरकत हो रही थी ना गोली कोई जवाब लेकर आ रही थी। गुंजाइश ये तैरी कि या तो बदमाश मारे गए हैं या भाग गए हैं या मौके की ताक में छुपे बैठे हैं। आर पार की जंग मान चुके जाबाज पुलिस वाले खेत में दाखिल हो गए और उसे खंगालना शुरू किया। गन्ने के खेत में घूमते पुलिस वालों को हाथों हाथ कुछ सूझ नहीं रहा था। तलाशी अभियान काफी देर तक जारी रहा और आखिरकार अधूरी सही लेकिन बहादुरी के इनाम की शक्ल में 12,000 का इनामी बदमाश अरशद घायल हो गया और पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गया। हालांकि उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस मुठभेड़ बदमाशों के साथ इनके बदमाशों के साथ हुई है जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दरअसल 12,000 का इनामी बदमाश अरशद अपने साथी के साथ बाइक से जा रहा था। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका तो वो पुलिस वालों पर गोली चलाते भागा, लेकिन इस बार वो कानून के लंबे हाथों की गिरफ्त से बच ना सका। वहीं इस मुठभेड़ में एक पुलिस वाले को भी गोली लगी। वाराणसी मुठभेड़ की खौफनाक तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई।
रात के अंधेरे में लौटूवीर बाबा के पास NH2 के करीब अचानक हलचल तेज हुई। बुलेट प्रूफ जैकेट और हाथों में हथियार लेकर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने एक सुनसान इलाके की घेराबंदी कर दी। बदमाशों को सरेंडर करने के लिए वार्निंग दी गई, लेकिन असलहों से लैस बदमाशों ने पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से हुई कई राउंड की फायरिंग के बाद दोनों बदमाशों को धर दबोचा गया। इस मुठभेड़ में क्राइम ब्रांच के जाबाज अफसर सुमन सिंह के दाहिने हाथ में गोली लगी, वहीं एक बदमाश अशोक यादव भी गोली से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक 25,000 के इनामी बदमाश अशोक यादव और 15,000 के इनामी बदमाश अर्जुन यादव ने एक असिस्टेंट प्रोफेसर से फोन पर धमकी देते हुए 10 लाख की रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच ने सर्विलांस का सहारा लेते हुए लोकेशन ट्रेस की और मुखबिरों की सटीक सूचना के आधार पर अशोक यादव और अर्जुन को घेरेबंदी करते हुए नेशनल हाईवे के पास लौटूवीर में लाइव एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के बाद में जो क्रॉस फायरिंग पुलिस के द्वारा अपने बचाव में की गई, तो उसके अंदर में भी जानकारी में है कि एक बदमाश को गोली लगी है और एक सिपाही को भी, हमारा सिपाही भी घायल हुआ है। बदमाशों के पास से 2 असलहे समेत दर्जनों गोलियां भी बरामद की गई हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि आखिर कब यूपी में अपराधियों पर शिकंजा कसेगा। दिल्ली के बवाना में पटाखा फैक्ट्री में आग से 17 लोगों की मौत के बाद मामले की जांच चल रही है और हादसे के बाद गिरफ्तार फैक्ट्री मालिक को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन इस बीच न्यूज 18 इंडिया को एक भीषण आग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिली है। ये उसी आग की तस्वीरें हैं जिसने शनिवार शाम 17 लोगों की जान ले ली। इसी आग ने कई घर के चिराग बुझा दिए। ढलती शाम में दस्तक देते अंधेरे के साथ कई जिंदगियां झुलस कर हमेशा के लिए अंधेर में चली गईं। धू धू कर जलती दिल्ली के बवाना की पटाखा फैक्ट्री की ये भयावह तस्वीर एक चश्मदीद ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। आग की लपटें तेज होती गईं और वहां खड़े लोगों की आवाज में घबराहट बढ़ती गई, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर मजदूर मौजूद थे। कुछ ही मिनटों में जैसे जैसे लपटों के साथ उठता काला धुआं घना होता गया, फैक्ट्री में मौजूद लोगों के बचने की उम्मीद कम होती गई। अरे लेबर भी अंदर होंगे, बाकी लोग यहाँ पे रहते हैं। लेडीज़ उसको फोन करना, ओ यार उसको फोन करना। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ लोगों की आग में झुलसकर मौत हो गई तो कुछ की दम घुटने से। हादसे से कुछ घंटे पहले फैक्ट्री में चाय पहुंचाने गए चाय वाले के मुताबिक मरने वालों की तादाद 17 से ज्यादा भी हो सकती है। कि 17 लोग ही मरे होंगे, आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। नहीं, शायद उसमें शाम को जो लोग नहीं छुट्टी किए होंगे तो उनका भी हो सकता है, तो ज्यादा भी हो सकता है, पर इस चीज को कन्फर्म मेरे को पता नहीं है। वहीं हादसे का शिकार हुई पटाखा फैक्ट्री के सुरक्षा इंतजाम और लाइसेंस को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बवाना में भी और उसके अलावा जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, सभी में फैक्ट्री लाइसेंस MCD के द्वारा दिए जाते हैं। दूसरा, जितने भी नक्शे पास किए जाते हैं बवाना में भी और दिल्ली के अंदर जहाँ पर भी फैक्ट्रियाँ हैं, सारे नक्शे MCD के द्वारा पास किए जाते हैं। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है, क्योंकि एक तो इतने छोटे जगह पर इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी, क्या फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे, क्या मेजर्स लिए गए थे। उधर हादसे में जान गंवा बैठे लोगों के घरों में मातम पसरा है। दिल्ली के मेट्रो विहार में एक ही इलाके के 8 घरों में मौत ने दस्तक दे दी। इनमें 4 घरों में अंतिम विदाई के लिए जब मृतकों के शव पहुंचाए गए तो पूरे इलाके में मातम का माहौल बन गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। अपनों को खोने के जख्म पर मरहम तभी मुमकिन है जब इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये।
बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में आईटीओ के पास। कल देर रात भीषण हादसा हुआ है और इस हादसे में तेज रफ्तार ट्रक और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसके बाद ट्रक संतुलन खोकर कार के ऊपर पलट गया। जानकारी के मुताबिक कार सवार 7 लोग इसमें घायल हुए, जिन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया है। हम अपनी बत्ती क्रॉस कर रहे थे और इधर से वो वैगनर कार आई और हमारी गाड़ी में टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ब्रेक लिए, एक पीछे गाड़ी वो भी हमारी गाड़ी में आग लगी, गाड़ी पलट गई। अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी से, उत्कर्ष दे रहा है। यूपी के सीतापुर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दरअसल एक किसान ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया था, लेकिन आरोप यह है कि समय पर पैसे नहीं चुकाने के चलते रिकवरी एजेंटों ने उसके ट्रैक्टर से किसान को रौन दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश है, जबकि पुलिस 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर इनकी तलाश में जुटी हुई है। लिया था, फाइनेंस वाले आए थे, फाइनेंस वालों ने जो है गाड़ी जो है लेकर के जो है उनकी लेके चले, तो वो भी गाड़ी पर बैठे हुए थे। आगे ले जा करके पुल के आगे जो है उनको ढकेल दिया और ढकेल करके जो है उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उसको ट्रैक्टर में बैठा लिए और इस और धक्का मार दिया, जिससे नीचे गिर गया और ट्रैक्टर के नीचे दबा दिए। इस तारीख पे हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी और बीफ की राजनीति पर तंज कसा है। कर्नाटक कांग्रेस ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें बीजेपी की बीफ पॉलिसी पर सवाल उठाए गए हैं और इस वीडियो में कांग्रेस ने बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी के बजाय बीफ जनता पार्टी बताया है। देश में आए दिन बीफ से जुड़ा एक नया विवाद खड़ा हो जाता है, जिससे इस मसले पर छिड़ा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस कड़ी में कर्नाटक कांग्रेस ने एक ट्वीट के जरिए चुटकी लेते हुए बीजेपी को बीफ जनता पार्टी बता डाला। वीडियो में इस बात का जिक्र किया गया है कि बीजेपी के तथाकथित बीफ के शौकीन नेताओं को बीफ क्यों पसंद है। कर्नाटक कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा, परिकर बीफ का आयात करना चाहते हैं, योगी बीफ निर्यात करना चाहते हैं, रिजिजू इसे खाना चाहते हैं, सोम इसे बेचना चाहते हैं। बीफ और बिजनेस को न जोड़े बल्कि बीफ और राजनीति को जोड़े, बहुत हुआ पाखंड बीजेपी। वीडियो के अंत में बीफ लवर की श्रेणी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ लिखा है कि यूपी का बीफ सबसे बेहतरीन है, इसीलिए यहां बीफ का इतना उत्पादन होता है, यूपी में गाय लजीज होती है। वीडियो में सूबे के सीएम पर इस तरह के हमले के बाद योगी कैबिनेट के मंत्री सिद्धार्थ नाथ ने न्यूज 18 इंडिया से बात कर कांग्रेस की कड़ी निंदा की। कांग्रेस ने जिस प्रकार का ट्वीट किया है उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। और ये भी दिखता है कि कांग्रेस पार्टी जो कर्नाटका की है वो अपनी हार देख रही है और इसलिए बौखलाई हुई है, और इस प्रकार की भाषा का अपने ट्वीट पे इस्तेमाल किया है, विशेष रूप से योगी आदित्यनाथ जी के लिए। वहीं कर्नाटक कांग्रेस के इस वार के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सच टाइप ऑफ लो लेवल क्रिटिसिज्म इज नॉट गुड इन पॉलिटिक्स, वी शुड बी कॉलिंग देम एज पार्टी ऑफ कांस। बीफ पर राजनीति का मामला तो कई दिनों से चला आ रहा है, लेकिन कांग्रेस के वीडियो से साफ है कि राज्य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक दूसरे को नीचा दिखाने की रणनीति का काम शुरू हो चुका है। अगली खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर सोलन में कल रात ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई और आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि देखते ही देखते इसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और साथ ही बगल की दूसरी फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में लिया। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, लेकिन कई घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। और वहीं फैक्ट्री में कई मजदूरों के भी फंसे होने की बात सामने आ रही है। तो भयंकर लगी हुई है, इसे कंट्रोल करने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और हाइड्रेंट जो 3-4 आ चुके हैं, पर कंपनी वाला कोई बंदा यहाँ है नहीं, कहाँ पता लगे अंदर कितने बंदे हैं, बाहर है ये कोई पता लग रहा अभी।
अगली बड़ी खबर, अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से भोपाल के दशहरा मैदान में आमरण अनशन पर बैठे किसानों को कल देर रात पुलिस उठाने पहुंच गई, लेकिन किसान पुलिस के साथ जाने को तैयार नहीं हुआ और इस दौरान किसान सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। किसानों के विरोध को देखते हुए पुलिस को वापस लौटना पड़ा और पुलिस इन किसानों को दशहरा मैदान से उठाकर अस्पताल में भर्ती करवाना चाह रही थी, लेकिन किसान वहां से हटने को तैयार नहीं थे। इनकी नियत में खोट है और हम लोग लीगल मांग कर रहे हैं, इनलीगल कोई मांग नहीं कर रहा है। सरकार के कोई मंत्री नहीं बचे क्या मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल के अंदर? सब अपने अपने काम धाम में लगे हुए हैं। हम किसानों और मजदूरों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।